सीएम केजरीवाल ने अखिलेश के साथ लखनऊ के एसपी दफ्तर में की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले योगी का सीएम पद से हटना तय, शाह को वारिस बनाएंगे पीएम मोदी। उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, बोले चुनाव के बाद टूट जाएगी बीजेपी, 4 जून को पता चलेगा शिवसेना और एनसीपी कौन है। पीएम ने कहा था दोनों पार्टियों का कांग्रेस में विलय पक्का। 5वें चरण से पहले ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान, इंडिया गठबंधन की सरकार को बाहर से देंगे समर्थन, बीजेपी को बताया चोरों की पार्टी। संविधान बदलने की बात पर लालू यादव ने बीजेपी को घेरा, लालू बोले भाजपा चाल चरित्र से समता विरोधी। अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज, बोले 140 सीटों के लिए भी तरसेगी भारतीय जनता पार्टी, 4 चरणों में चारों खाने चित्त हुई बीजेपी। कुशीनगर चुनाव में नहीं उतरेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य, वापस ले सकते हैं पर्चा, अपने बेटे को लड़ाएंगे चुनाव। कन्हैया कुमार ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए किया बड़ा दावा, बोले उन्होंने पिछले 10 साल के दौरान कुछ नहीं किया, इस बार बीजेपी के सामने जनता लड़ रही है चुनाव। झारखंड के मंत्री आलमगीर 6 दिन की ईडी रिमांड पर, टेंडर कमीशन घोटाले में हुए थे अरेस्ट, पीए के नौकर के घर मिले थे 30 करोड़ रुपए। ओपन डिबेट चैलेंज पर जयराम रमेश का पीएम मोदी पर वार, बोले 56 इंच के सीने में निमंत्रण स्वीकार करने की नहीं है हिम्मत। मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, आरोपी समन के बाद कोर्ट आया तो ईडी को लेनी होगी अदालत की इजाजत। पीओके पर भारतीय नेताओं के बयान से घबराया पाकिस्तान, डिप्टी सीएम इशाक डार पहुंचे चीन, कश्मीर पर मदद की लगाई गुहार। हमारे लोगों को सुरक्षा दो, बढ़ते हमलों के बीच पाकिस्तान को चीन की 2 टूक, कहा सीपीईसी परियोजनाओं में शामिल हजारों चीनी श्रमिकों की सुरक्षा के लिए पूरी कोशिश करे पाकिस्तान। आर्थिक तंगी के बीच पाक सांसद का बड़ा बयान, कहा दुनिया चांद पर, हमारे बच्चे गटर में गिरे, आज टॉप 25 कंपनियों के सीईओ भारतीय, पाकिस्तानी नेताओं को नहीं आनी चाहिए नींद। स्लोवाकिया पीएम रॉबर्ट फिको पर जानलेवा हमला, यूक्रेन को हथियार देने का किया था विरोध, अमेरिका से लेकर जापान और रूस से लेकर फ्रांस तक सभी देशों ने की निंदा। फ्रांस में लगा आपातकाल, चुनाव सुधार विधेयक के विरोध में न्यू कैलिडोनिया में हुए सांप्रदायिक टकराव के बाद सरकार ने की घोषणा। आज से क्रूड ऑयल पर विंडफॉल टैक्स हुआ कम, डीजल और एटीएफ के लिए कोई बदलाव नहीं, भारत सरकार ने जारी की अधिसूचना। बिजली उत्पादन में घटी कोयले की खपत, 64 साल में पहली बार 50% से आई नीचे, जलवायु परिवर्तन के दौर में ये अच्छे संकेत। आईपीएल में आज गुजरात टाइटंस वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद, हैदराबाद के होम ग्राउंड राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा मैच, गुजरात ने हैदराबाद के खिलाफ जीते 4 में से 3 मुकाबले। लापता लेडीज की मंजू माई यानी छाया कदम कांस फिल्म फेस्टिवल में बिखेरेंगी जलवा, बोली ये मेरे जीवन का एक बेहद खूबसूरत पल, 25 मई तक चलेगा कांस फिल्म फेस्टिवल। कांस 2024 में बजेगा इंडियन सिनेमा का डंका, भारत की ओर से शेमलेस, कुकी और सिस्टम मिडनाइट समेत 7 फिल्मों का होगा प्रीमियर।